हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश बायोलॉजी क्लासेज पर। दोस्तों, आज इन्वायरमेंटल साइंस से जुड़े कुछ विशिष्ट तथ्य को पढ़ेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड आदि एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर राज्य स्टेट ऑफ टाइगर्स किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, अर्थात गुजरात के गिर फॉरेस्ट या गिर नेशनल पार्क में एशियाई बब्बर शेर का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट, अर्थात वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल कौन सा है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट, अर्थात वेस्टर्न घाट जो है वो जैव विविधता में सबसे रिचेस्ट है, सबसे धनी स्थल है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? दोस्तों, बता दें आपको, अपने इस भारतवर्ष में दो हॉट स्पॉट रीजन बनाए गए हैं जिसे यूनेस्को ने हॉट स्पॉट के रीजन में घोषित किया हुआ है। वो आपके हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जहाँ पर मिलन स्थल होता है दोस्तों, वह है उत्तर आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु में स्थापित है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली गधा अभयारण्य अर्थात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थापित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। दोस्तों, बता दें गुजरात के कच्छ नामक स्थान पर वाइल्ड ऐश सेंचुरी स्थापित है और वहीं पर ही वाइल्ड ऐश अर्थात जंगली गधों का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है एवं इसे कब अवस्थित किया गया था? दोस्तों, इसका सही उत्तर है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या जिम कार्बेट नेशनल पार्क, और यह सन 1936 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हेली राष्ट्रीय उद्यान। इसका प्राचीन नाम है हेली राष्ट्रीय उद्यान और इसको राम गंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु
किस राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य का चयन किया गया है? दोस्तों बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा पालपुर कुनो नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश में स्थापित है। वहाँ पर एशियाई बब्बर शेरों को संरक्षित करने का चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क या सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र, जो है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनस्पतियों का संग्राहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति अर्थात ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरबन पश्चिम बंगाल। सुंदरबन नेशनल पार्क एक प्रकार से देखा जाए तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, और मैंग्रोव वेजिटेशंस वो वेजिटेशंस होते हैं जहाँ पर अधिकांश मात्रा में लवणीय भूमि और दलदल होता है, तो ऐसे क्षेत्रों को हम मैंग्रोव रीजन्स कहते हैं, और वहाँ पर उगने वाली वेजिटेशंस या वनस्पति को मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं, जैसे राइजोफोरा, एविसिनिया, सरासिनिया आदि ऐसे पौधे हैं जो मैंग्रोव वेजिटेशंस की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा मैंग्रोव वेजिटेशंस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, जानकारी को अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हुए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।